ओके तो चलिए नमस्कार किसान भाइयों, ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है। केंद्रीय पूर्व में सबसे ज्यादा धान देने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य होना छत्तीसगढ़। साथ ही भाई इस वीडियो पर हम जानेंगे कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान खरीदी किस जिले में हुआ है और जानेंगे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अंतिम और चौथे किस्त के बारे में लेटेस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ रही है। तो पूरी खबर के लिए भाई पूरी वीडियो पर बनी रही है और किसान है तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसी लेटेस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से हर रोज आप लोग को मिलता रहेगा। सबसे पहले जानते हैं केंद्रीय पूल में सबसे ज्यादा धान देने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना छत्तीसगढ़। जी हाँ, वर्तमान खरीफ मार्केटिंग सीजन यानी कि KMSSA सेंटर पूल में सबसे अधिक धान जमा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहे कि लगातार 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ कृषि के क्षेत्र में लगातार नए नए कीर्तिमान रच रहा है। यह किसानों की मेहनत और खेती पर लौटे उनके भरोसे का ही परिणाम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को बधाई देते हुए कहे कि पुराने रिकॉर्ड टूटे के बाद एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस साल राज्य में धान खरीदी का भी नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। किसान भाइयों, भारत सरकार द्वारा 15 जनवरी को जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ केंद्रीय पूल में 92 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान दे चुका था। इसी सीजन में सर्वाधिक धान जमा करने वाला वह दूसरा प्रदेश बन चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते खेती किसानी और किसानों के जीवन में सुखद बदलाव आया है। वैसे किसान भाइयों, इस उपलब्धि को लेकर यार आप लोग क्या सोचते हो, अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से बताइएगा। चलिए भाई, अब जानते हैं छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जिला जो इस साल सर्वाधिक धान खरीदकर रिकॉर्ड बनाई है। जी हाँ भाई, यार ये खबर महासमुंद बना समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक धान खरीदी करने वाला जिला। जी हाँ, महासमुंद जिले में शासन द्वारा दिनांक 1 नवंबर 2022 से सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदने का कार्य किया जा रहा है। खबरों के अनुसार 18 जनवरी तक 7,95,264.9 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है, जबकि गत वर्ष संपूर्ण अवधि में 7,74,342.92 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। भाई इस तरह से खबर आ रही है, महासमुंद जिला राज्य में समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक धान खरीदी करने वाला जिला बन गया है। आगे बढ़ते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतिम और चौथी किस्त को लेकर आ रही खबर आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। छत्तीसगढ़ में इस साल रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धान खरीदी पर किसानों को बधाई दी है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 31 जनवरी तक चलेगी। अभी तक राज्य में 100 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीदी हुई है। संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हर साल धान खरीदी का नया कीर्तिमान बन रहा है। इस वर्ष अब तक 100 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी की जा चुकी है। नई सरकार के गठन के बाद पहले साल 84 लाख मीट्रिक टन, दूसरे साल 93 लाख मीट्रिक टन, तीसरे साल 97 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा को संबोधन करते हुए बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का अंतिम और चौथी किस्त 31 मार्च को किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा यह प्रयास है कि सभी की आर्थिक उन्नति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां भूमिहीन मजदूरों को सालाना 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना प्रारंभ की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहाँ कोदो कुटकी और रागी को भी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। और किसान भाइयों, लगातार हम इन योजनाओं से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरें अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को हर रोज पहुंचाते रहते हैं। समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी रागी को लेकर भी विशेष हम लोग वीडियो जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के बारे में भी फॉर्म अप्लाई सारी चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में तो आप लोगों को बताते ही रहते हैं। तो भाई, अगर आप भी इन योजना से जुड़े हितग्राही हैं तो यार बिल्कुल चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर जरूर से करके रखिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बना के रखिए भाई। फिलहाल इस वीडियो में यार बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नया लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय जवाहर, नमस्कार।